एडेल और उसके बेटे ने घायल आदमी को हेल्प की, पर बाद में इन्हें पता चलता है कि वो जेल से भागकर आया हुआ था। उसके बारे में और भी जानने के बाद ये डर चुके थे, पर इनके नसीब में कुछ और ही था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेबर डे 2013 की एक रोमांटिक ड्रामा हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक बहुत ही अमेजिंग सी मूवी है और इसकी एंडिंग भी बहुत ही अच्छी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की स्टोरी हमें हेनरी बता रहा है। हेनरी एडेल का बेटा होता है। हेनरी के फादर उसे और उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे, तो दोनों अकेले ही रहते हैं। मदर हमेशा हर एक चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती है। हेनरी की स्कूल अब खुलने वाली थी, तो उसके लिए पेरेंट्स लेने के लिए सुपर शॉप में जा रहे थे। इनकी गाड़ी की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी, पर एडेल को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो इस वजह से गाड़ी को रिपेयर भी नहीं करती। वैसे ही ये जा रहे थे। हेनरी के फादर ने और एक शादी कर ली थी और उन्हें एक बेटी भी थी। सैटरडे संडे पर वो हेनरी को घर पर लेकर जाते हैं। हेनरी हमेशा अपनी मदर का बहुत ख्याल रखता है। एडेल हमेशा डर डर कर रहती है, तो इस वजह से उसके हाथ भी थर थर आते हैं। एडेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागती और हेनरी को एक अच्छा आदमी बनाने की हमेशा कोशिश करती है। उसने एक दिन उसे कहा कि एक आदमी को डांस करना आना चाहिए, तो उसे वो सिखा देती है। लोगों से जाकर बात करने के लिए एडेल डरती है, तो हमेशा हेनरी को अपने साथ लेकर जाती है। आज ऐसे एक सुपर शॉप में हेनरी के लिए पैंट्स लेने के लिए वो आए हुए थे। हेनरी के पास अचानक से फ्रैंक आ गया। फ्रैंक को चोट लगी थी, तो हेनरी से कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? हेनरी ने कहा कि मैं मेरी मदर के साथ आया हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। फ्रैंक ने एडेल को देखा और वो कहता है, तुम्हारी मदर मुझे हेल्प कर सकती है। उसे कहीं पर जाना था तो राइड मांगता है। इसके बाद ये दोनों एडेल के पास गए। एडेल फ्रैंक को देखकर कहती है कि हम आपको लिफ्ट नहीं दे सकते। फ्रैंक हेनरी के गले पर हाथ लगाता है, इनडायरेक्टली उसे धमकी दे रहा था कि उसे लेकर जाना ही पड़ेगा। एडेल भी फिर इस बात को मान जाती है। फ्रैंक ने फिर गाड़ी में आकर कहा कि मुझे तुम्हारे घर लेकर चलो, मुझे सिर्फ जरा आराम करना है। एडेल फ्रैंक से पूछती कि तुम्हें चोट कैसे आई। फ्रैंक ने कहा कि मैं जेल में था, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था, तो वहाँ के हॉस्पिटल की खिड़की से मैं नीचे गिर गया और वहाँ से मैं भाग गया। फ्रैंक एडेल से पूछता है, मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम तुम्हारे पास रहने दो। एडेल पूछती कि क्या तुम हमें हर्ट करोगे। फ्रैंक कहता है, मैंने जानबूझकर मेरी लाइफ में किसी को भी हर्ट नहीं किया। वो प्रॉमिस करता है कि घर में उसे हेल्प करेगा। एडेल ने कहा कि घर पर हमेशा लोग आते रहते हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम बचकर नहीं जा पाओगे। फ्रैंक कहता है कि मैं अभी अभी तो जेल से बाहर आया हूँ, फिर से क्राइम कर मैं अंदर नहीं जाना चाहता। इसके बाद न्यूज पर भी फ्रैंक भाग चुका है ये आ रहा था। फ्रैंक कहता है कि अब पुलिस हर जगह पर मुझे ढूंढने लग जाएंगे। अगर किसी को पता चला कि तुमने मुझे सहारा दिया था तो तुम दोनों बहुत ही ज्यादा ट्रबल में आ जाओगे। इसके लिए उसके पास एक सोल्यूशन था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध देता हूँ, इससे सब लोगों को लगेगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया था और तुम पर कोई भी शक भी नहीं करेगा। एडेल भी इस बात के लिए मान जाती है। उसने हेनरी को फ्री रखा था। इसके बाद वो कुक करने लग जाता है। वो एक बहुत ही अच्छा कुक था और उसने एक बहुत ही अच्छी सी डिश बनाई। एडेल के हाथ बंधे हुए थे, तो अपने हाथों से उसे वो खिलाता है। हेनरी को एडेल की एक बात याद आती है। एडेल हेनरी को एक दिन समझा रही थी कि जैसे आदमी बड़ा होता है तो वो किसी ना किसी को तो पाना चाहता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई अपना हो, ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। हेनरी हमेशा वंडर करता है कि उसकी मदर की लाइफ में कोई भी आदमी नहीं। अब फ्रैंक यहाँ पर है, तो क्या वो आदमी फ्रैंक हो सकता है? फ्रैंक ने एडेल से पूछा कि ट्रेन कब से स्टार्ट होती है। एडेल कहती कि सुबह ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। फ्रैंक का उन्हीं ट्रेन में से भाग जाने का प्लान था। हेनरी रात में एडेल को देखने के लिए आया तो अपने बेड से बंधी हुई थी। फ्रैंक नीचे सो रहा था। हेनरी सुबह फ्रैंक से पूछता है, तुम इस तरीके से भागकर कैसे आके? क्या तुम्हें कोई गार्ड वगैरह देख नहीं रहा था? फ्रैंक कहता है कि गार्ड को स्मोक करने के लिए जाना था, तो मैंने कहा कि जैसे तुम चले जाओगे वैसे मैं इस खिड़की से कूद कर भाग जाऊंगा। गार्ड को यह मजाक लगा था और वो सचमुच में चला गया। अगर आप मजाक में इस तरीके से लोगों से सच बोल देते हो तो उस बात को सीरियसली लेते हैं नहीं। फ्रैंक ने एडेल को फ्री कर दिया था। वो पूछती है कि आज तुम मुझे क्यों नहीं बांध रहे? फ्रैंक कहता है कि अब नीड नहीं है। अगर पुलिस ने तुमसे पूछा क्या मैंने तुम्हें बांध कर रखा था तो तुम सच बोलोगी कि मैंने एक्चुअल में तुम्हें बांध कर रखा था। फ्रैंक को ट्रेन की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो एडेल कहती है कि लेबर डे का वीकेंड है तो इस वजह से कोई भी ट्रेन नहीं आएगी। अब दो तीन दिन के लिए वो फंसे हुए थे। फ्रैंक उन पर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहता था, तो इसी वजह से घर में सब काम करने लग जाता है। उसने स्टेज को रिपेयर कर दिया, गाड़ी भी खराब थी तो गाड़ी को ऑयल भी वो चेंज कर देता है। एडेल को एक आदमी ज़्यादा प्राइस में लकड़ियाँ बेच रहा था, तो फ्रैंक ने उसे वार्न किया। पूरे घर की भी वो साफ सफाई करता है। हेनरी को बेसबॉल खेलना भी उसने सिखाया। अचानक से उनका नेबर आ जाता है।
फ्रैंक ने एडल को पकड़ लिया और हेनरी को डोर ओपन करने के लिए कहा। वो कहता है कि इस नेबर को जल्दी से घर भेज दो, उसे शक नहीं होना चाहिए। नेबर कहते हैं, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एप्पल्स थे, पीच थे, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदर को देने के लिए आया हुआ था। तुम्हारी मदर कहाँ है? हेनरी कहता है कि वो बात ले रही है। नेबर कहते हैं, अभी अभी जेल से एक कैदी छुटा हुआ है, तुम्हें इस तरीके से डोर नहीं खोलना चाहिए। मैं इसी बारे में तुम्हारी मदर को वॉर्न करने के लिए आया हुआ था, जरा अपना ख्याल रखना। हेनरी उसे यकीन दिलाता है कि इस बात को समझ सकता है। नेबर के जाने के बाद एडल फ्रैंक पर गुस्सा हो गई। वो कहती है, मेरे बेटे को इस तरीके से तुम कभी भी यूज मत करना, इस तरीके से किसी से झूठ बोलना, ये बात मैं उसे नहीं सिखा सकती। फ्रैंक भी इस बात का रिस्पेक्ट करता है। फ्रैंक ने कहा कि नेबर ने तो बहुत सारे एप्पल्स दिए हैं, ये वीकेंड पर तुम लोग कभी भी खा नहीं पाओगे। उसे एक आइडिया आया और इस एप्पल का वो पाए बनाता है। ये पाए बनाते वक्त वो हेनरी और एडल को रेसिपी सिखा रहा था। एक फैमिली की तरह सारे मिलकर ये पाए बनाते हैं। फाइनल लेयर लगाते वक्त एडल के हाथ थरथरा रहे थे, तो फ्रैंक उसे कॉन्फिडेंस देता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। ये बात हेनरी ने नोटिस की। रात में यहाँ से एक पुलिस गुजरा, वो फ्रैंक को ही ढूंढ रहा था। फ्रैंक एडल से कहता है कि पुलिस अभी अभी यहाँ से गुजरे, इसका मतलब है 5-6 घंटे वो मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढेंगे। उसे भागने के लिए बहुत ही अच्छा चांस था। एडल कहती कि अब मत जाओ, सुबह चले जाना। एडल नहीं चाहती थी कि फ्रैंक अब यहाँ से चला जाए। उसे कहती कि 1-2 दिन में चले जाना, तब तक तुम्हारी वुंड भी हील हो जाएगी। हेनरी भी उसे यही रहने के लिए बोल रहा था। अगली सुबह फ्रैंक ने फिर से एडल के घर में बहुत सारे काम किए। उसे हर एक चीज में हेल्प करता था। गाड़ी का टायर कैसे बदलते हैं, ये भी चीज़ उसने हेनरी को सिखाई। वो कहता है कि जब तुम्हारे साथ कोई लड़की होगी तब उस वक्त ये चीज़ तुम नहीं सीख सकते, इमरजेंसी पर ये काम करना तुम्हें आना चाहिए। फ्रैंक को डांस करना आता नहीं था, तो एडल ने उसे भी डांस करना सिखाया। एक दिन हेनरी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया हुआ था। वहाँ पर जब वो सोडा बाय कर रहा था तो एलिनॉर नाम की लड़की उसे बात करती है। कहती है कि एलुमिनियम की टीन में अगर तुम कुछ भी पीते हो तो इससे तुम्हारी मेमोरी खराब होती है। वो इस टाउन से नहीं थी, तो हेनरी से पूछते कि क्या इस टाउन में कुछ इंटरेस्टिंग करने जैसा है। हेनरी ने कहा कि तुम यहाँ पर बॉलिंग कर सकती हो। इसके बाद वो सब सामान लेकर काउंटर पर गया और उसके पास एक रेजर भी था। ओनर पूछता है कि तुम्हारी मदर के लिए रेजर सही नहीं है। हेनरी कहता है कि रेजर मेरे लिए है। ओनर ने भी इस बात के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और उसे केयरफुल रहने के लिए कहा। वो जब घर आ रहा था तो पुलिस हर जगह पर फ्रैंक की फ़ोटो लगा रहे थे। उसे कहते हैं कि केयरफुल रहना, अगर तुम्हें कुछ दिखे तो हमें रिपोर्ट करना। घर आने के बाद अचानक से हेनरी की नेबर घर में घुस कर आई थी। फ्रैंक डर कर वहीं पर छुप जाता है। नेबर एडल को ढूंढ रही थी तो एडल आगे आके नेबर ने कहा कि मुझे ज़रा अर्जेंट काम है, मुझे ज़रा बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या मेरे बेटे का तुम ख्याल रख सकती हो? उसका बेटा पैरालाइज था और ज़्यादा कुछ भी बोल नहीं सकता था। इस तरीके से फ्रैंक के घर में होते हुए एडल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकती, पर नेबर ने उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया, तो इस वजह से एडल को उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए मानना पड़ता है। नेबर के जाने के बाद नेबर के बेटे बैरी को फ्रैंक ने देखा। बैरी कुछ भी ज़्यादा बोलेगा नहीं, तो इस वजह से फ्रैंक के लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसे भी घर की सारी चीज़ों में शामिल कर लेते हैं। बाहर जाकर ये बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे तो बैरी भी उनके साथ खेलता है। फ्रैंक ने हेनरी को बैटिंग सिखाई, उसके बाद एडल को भी वो सिखाता है। इनका आज का डे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पेंड हुआ था। रात में जब सब मिलकर टीवी देख रहे थे तो न्यूज़ पर फ्रैंक की न्यूज़ आई। ये न्यूज़ जब बैरी देखता है तो इस न्यूज़ से वो डिस्टर्ब हो गया। जब उसकी मदर उसे लेने के लिए आई तो फ्रैंक छुप जाता है, पर बैरी फ्रैंक का नाम ले रहा था। वो सही से बोल नहीं पाता, तो इस वजह से उसकी मदर को कुछ अलग ही लगा। उसे ज़ोर से चाटा मार दिया और उसका मुंह बंद कर देती है। रात में एडल और फ्रैंक ये दोनों मिलकर प्लान बना रहे थे। अभी नहीं लगता है कि इन दोनों को साथ में भाग जाना चाहिए। फ्रैंक पूछता है कि हेनरी का क्या होगा। एडल ने कहा कि हेनरी के फादर कभी भी उसे मेरे साथ जाने नहीं देंगे। एडल का प्लान बना कि हेनरी के फादर को बताए कि नहीं और वैसे ही उसे लेकर चली जाएगी। यह बात हेनरी को पता नहीं थी। उसे लगता है कि शायद एडल और फ्रैंक ये दोनों एक साथ ही भाग जाने वाले हैं। उसे अपने फादर के पास अकेला छोड़कर जाएंगे। इस बात से उसे बहुत बुरा लगा। फ्रैंक के ऊपर मर्डर का चार्ज था और इसी वजह से वो जेल में था। वो एडल से कहता है कि मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया, मुझ पर एक्सीडेंटली इल्ज़ाम लगा था। एक्चुअल में फ्रैंक जब बहुत ही यंग था तो एक लड़की उसे पसंद आई थी। उसके साथ उसका अफेयर हुआ और एक दिन उस लड़की ने उसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसी वजह से फ्रैंक ने उसके साथ शादी कर ली थी। बाद में फ्रैंक को पता चला कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। वो एक दिन उसे कन्फ्रंट करता है कि क्या ये बेबी मेरा है? तो उसकी वाइफ कहती है, तुम एक बहुत ही बड़े फूल हो, उसका बेटा नहीं था। उसे मार रही थी तो फ्रैंक ने सिर्फ उसे पुश किया और इसी वजह से सर पर चोट लगने की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई।
फ्रैंक ने ऊपर जाकर देखा तो उसकी वाइफ ने अपने बेटे को बाथ टब में डालकर उसका मर्डर कर दिया था। इस सब की वजह से पुलिस को लगा था कि फ्रैंक ने अपनी फैमिली को मार डाला। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और इसमें फ्रैंक की कोई भी गलती नहीं थी। एडल कहती कि बात तुम्हें सब लोगों को समझानी चाहिए। फ्रैंक ने कहा कि अब उस इंसिडेंट को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। सुबह होने पर एडल हेनरी को कहती है कि हम कनाडा जाने वाले हैं, इसके बारे में और भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक्स लेकर आओ। यही बुक जब हेनरी ले रहा था तो उसे फिर से एलेनोर दिखती है। हेनरी ने उसे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आई। एलेनोर कहती है कि मेरे फादर और मदर का डिवोर्स हो चुका है। वो पहले अपनी मदर के साथ रहती थी पर मदर का अब एक बॉयफ्रेंड है, उसके साथ वो शादी करना चाहती थी तो इसी वजह से एलेनोर को उसके फादर के पास उसने भेज दिया है। हेनरी कहता है कि मेरी मदर का भी अभी अभी एक बॉयफ्रेंड बना है। एलेनोर कहती है कि बॉयफ्रेंड की वजह से आदमी जरा पागल हो जाता है, वो क्या डिसीजन लेते हैं ये उन्हें ही पता नहीं चलता। एलेनोर ने कहा कि तुम्हें अपनी मदर से जाकर बात करनी चाहिए। हेनरी को ये बात इतनी ज्यादा सही नहीं लगती। अब वीकेंड आ चुका था तो हेनरी के फादर उसे लेकर जाते हैं। फादर कहते हैं तुम्हें स्कूल के स्पोर्ट्स में अब जरा ध्यान देना चाहिए। हेनरी कहता है कि मैं डांस करना चाहता हूँ। फादर ने कहा कि अगर तुम डांस करोगे तुम्हें लोग जरा अलग समझेंगे। ये सब चीजें बताने के लिए घर पर कोई भी आदमी नहीं है तो इसी वजह से मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। हेनरी कहता है कि आपको किसने कहा कि घर पर कोई भी आदमी नहीं है। फादर और भी इसके बारे में जानना चाहते थे तो हेनरी कहता है कि आपको क्या फर्क पड़ता है। फादर ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। घर पर आने के बाद हेनरी जरा अपसेट था। एडल उसे पूछती है क्या हुआ है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने और फ्रैंक ने डिसाइड किया है कि हम भागकर कनाडा में चले जाएंगे। हेनरी रोने लग गया। वो पूछता है क्या मैं तुम्हें फिर से कभी देख पाऊंगा। एडल कहती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलोगे। वो फिर उसे गले लगा लेती है। अब सब मिलकर सामान वगैरह पैक करने लग गए। एक दिन हेनरी एलेनोर से मिलने के लिए आया। एलेनोर हेनरी को फ्रैंक के बारे में पूछती है तो हेनरी ने कहा कि वो अच्छा है, हम सब मिलकर कनाडा जा रहे हैं। एलेनोर बहुत ही स्मार्ट थी, वो कहती है कि अब स्कूल स्टार्ट होने वाली है और तुम सब लोग भाग रहे हो, क्या प्रिजन से जो कैदी भागा हुआ था क्या वही तुम्हारी मदर का बॉयफ्रेंड है। हेनरी हाँ कहता है। एलेनोर ने हेनरी से कहा ये तो बोनी एंड क्लाइड की तरह हो गया, वो दोनों भी चोर थे और ऐसे ही भाग रहे थे पर पुलिस ने उन्हें मार डाला था। एलेनोर अकेली थी तो हेनरी भी उसे छोड़कर ना जाए इसी वजह से उसे डराने की वो कोशिश कर रही थी। फ्रैंक को अपनी चोट से ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी। एडल कहती है कि मैं फार्मेसी से जाकर कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ। फ्रैंक इसके लिए मना कर रहा था पर फिर भी एडल को इसकी जरूरत लगती है। वो जाकर गाड़ी में बैठी पर इसे स्टार्ट ही नहीं कर पाती। एक चीज थी जो उसे खाए जा रही थी। फ्रैंक ने आकर उसे पूछा क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती। एडल कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैंने हेनरी की डिलीवरी की उसके बाद और एक बच्चा होने के लिए हमने ट्राई किया था, मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे मिसकैरेज हो गया था। इसके बाद उसने बहुत बार ट्राई किया था पर हर बार मिसकैरेज हो जाता। एडल इस बात की वजह से बहुत ही ज्यादा टूट गई थी। एक बार जब वो प्रेग्नेंट रही तो उसे बेटी हुई थी पर डिलीवरी के वक्त ही उसकी बेटी की डेथ हो गई थी। इस सब की वजह से हमेशा वो सैड रहने लग गई थी। इसी वजह से उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था। उसने फ्रैंक से कहा कि मैं तुम्हें कोई भी फैमिली दे नहीं सकती। फ्रैंक ने कहा कि ऑलरेडी तुमने मुझे फैमिली दे दी है, वो हेनरी को ही अपना बेटा मानेगा। एडल को ये बात अच्छी लगी। इसके बाद ये सब मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं और अगले दिन जाने वाले थे। सुबह जल्दी उठकर छुपके से अपने फादर के घर के लेटर बॉक्स में वो रख कर आता है। जब वो घर पर वापस आ रहा था तो एक पुलिस ऑफिसर ने उसे नोटिस किया। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, चलो मैं तुम्हें घर पर लिफ्ट दे देता हूँ। हेनरी तो पहले इसके लिए मना करता है पर पुलिस ऑफिसर मानते नहीं। उन्होंने पूछा कि इतनी सुबह तुम कर क्या रहे थे। हेनरी कहता है कि मैं मेरे फादर के घर पर कुछ छोड़ कर गया था तो इसी वजह से लेने के लिए आया था। पुलिस ऑफिसर ने देखा कि एडल गाड़ी में सब कुछ सामान भर रही थी। ये उसे जरा सस्पिशियस लगा। आकर वो एडल से बात करता है। वो कहता है कि क्या आप कहीं पर जा रही हो। एडल ने कहा कि कुछ दिनों के लिए हम जरा ट्रिप पर जा रहे हैं। आज सब बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो रही थी तो ये और भी ज्यादा सस्पिशियस था। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि मैं आपकी जरा मदद कर देता हूँ। कुछ बॉक्सेस रखने में उसने एडल को हेल्प की। उसे ज्यादा कुछ भी सस्पिशियस लगा नहीं। जाते वक्त वो एडल का हैंडशेक ले रहा था पर एडल का हाथ थरथरा रहे थे तो हेनरी उसका हैंडशेक करता है। ऊपर से फ्रैंक छुप कर ये सब कुछ चीजें देख रहा था। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद फ्रैंक कहता है अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। एडल और हेनरी फिर ये दोनों बैंक में आए। बैंक से सारे पैसे वो विड्रॉल कर रहे थे। ये बात जरा वहाँ की एम्प्लॉय को सस्पिशियस लगे तो अपने मैनेजर के पास गए। मैनेजर एडल से कहता है कि अगर आप इतनी ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो
तो जनरली लोग चेक में लेते हैं। एडल कहती कि आजकल मैं ज्यादा घर से बाहर निकलती नहीं, तो इसी वजह से सब पैसे निकाल रही थी। फिर भी उसे सस्पिशियस लग रहा था, तो हेनरी हंसते हंसते कहता है कि हम दोनों बॉनी एंड क्लाइड की तरह इस कंट्री से इलीगली अलग कंट्री में जाकर रहने वाले, इसी वजह से सारा अकाउंट खाली कर रहे हैं। मैनेजर ने इस पर हंस दिया और सारे पैसे उसे दे देता है। ये बात हेनरी ने फ्रैंक से ही सीखी थी कि अगर आप इस तरीके से सच बोलोगे तो लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। इसी के पैरेलल में फ्रैंक जब घर पर था तो अचानक से एडल की नेबर घर में घुस कर आ दिया। उसने फ्रैंक को देख लिया, वो एडल के बारे में पूछती है तो फ्रैंक कहता है कि जरा बाहर गई है, मैं घर की फिक्सिंग करने का काम कर रहा हूँ। नेबर को शक चला गया और वहां से वो चली जाती है। एडल के वापस आने से पहले फ्रैंक को घर पर कॉल भी आया था, ये हेनरी के फादर का था और वो वरीड थे। एडल जब घर पर आई तो फ्रैंक कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लोगों को शक होने लग गया है। अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज आने लग गई। ये रियलाइज करते हैं कि अब वो भाग नहीं सकते। फ्रैंक ने फिर रस्सी लेकर एडल और हेनरी दोनों को बांध दिया। फ्रैंक हेनरी से कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, अगर किसी लड़की ने तुम्हें बैड फील कराया तो लड़की तुम्हारा टाइम डिजर्व नहीं करती। फ्रैंक एडल से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया इसके लिए मैं फिर से 18 साल जेल में जा सकता हूँ। इसके बाद फ्रैंक ने सरेंडर कर दिया। उसने एडल और हेनरी के हाथ बांधे थे, यानी सबको लगे कि एडल उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फ्रैंक को अरेस्ट होकर फिर से सजा हो गई। एडल ने प्रोस्टिक्यूटर से बात कर फ्रैंक को जेल से बाहर निकालने की कोशिश की, पर प्रोस्टिक्यूटर एडल से कहता है कि अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया तो शायद तुम्हें प्रॉब्लम आ सकता है, तुम्हारी हेनरी की कस्टडी भी जा सकती है। एडल हेनरी को खोना नहीं चाहती थी तो इस वजह से वो कुछ भी कर नहीं पाती। कुछ मंथ के बाद एडल ने रियलाइज किया था कि हेनरी को अपने फादर के पास रहना चाहिए, तो अपनी कस्टडी उसने दे दी थी। उसने फिर फ्रैंक से मिलने की भी कोशिश की थी, पर फ्रैंक सोलिडरी में था तो जेल में उसे मिल नहीं पाया। वो हर रोज उसे लेटर लिखती थी, पर बाद में सब लेटर उसके वापस आ गए, फ्रैंक को ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल गुजर जाते हैं। हेनरी अब कॉलेज में जाने वाला था, उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी और फ्रैंक ने उसे जो भी चीज़ें सिखाई हुई थी ये लाइफ में उसे हेल्पफुल होती है। एक दिन हेनरी के फादर ने उसे बात की, कहा कि तुम्हारी मदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, वो हमेशा प्यार में रहना चाहती थी, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुकी थी, अगर कोई दूसरा आदमी होता तो उसे हेल्प करता, पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और मैं एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, तो इसी वजह से मैंने तुम्हारी मदर को छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे साथ ये जो सारे साल बिताए मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बॉन्डिंग करना चाहता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हेनरी भी अपने फादर को माफ़ कर देता है। उसने फादर से कहा कि लास्ट समर में मेरी मदर के साथ बिताना चाहता हूँ। वो पूरा समर एडल का ख्याल रखता है। इसके बाद और भी साल गुजर गए, हेनरी की शादी हो गई थी। उसने अपनी एक बेकरी डाली थी, जो रेसिपी फ्रैंक ने उसे सिखाई थी ये उसकी बहुत ही फेमस बन गई थी। एक मैगजीन में भी उसकी फ़ोटो आई थी, ये फ़ोटो जेल में फ्रैंक देखता है और इसे उसने पहचान लिया। उसने फिर हेनरी को एक लेटर लिखा, वो कहता है कि उस पर वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। अब वो जेल से निकलने वाला था और चाहता था कि एडल के साथ वो जाकर रहे, एक फैमिली की तरह रहे। ये करने के लिए पहले उसने हेनरी की परमिशन ली। हेनरी लिखता है कि मदर का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, आप उन्हें लेटर लिख सकते हो। हेनरी भी चाहता था कि उसकी मदर खुश रहे। फ्रैंक ने फिर लेटर लिखा और जिस दिन वो जेल से बाहर निकला तो एडल उसका वेट कर रही थी। इतने साल सिर्फ एक दूसरे से ही इन्होंने प्यार किया था, फिर से एक दूसरे से मिले और जो भी टाइम इनके पास अब बचा है एक साथ ही स्पेंड करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अलग ही सिचुएशन की एक रोमांटिक मूवी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।